सभी जितने भी भाई बहने यहाँ सुन रहे हैं, एक बार सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके, देखो हम सभी इतनी दूर से आए हैं, किससे? आप सभी से मिलने के लिए। मैं खुद दिल्ली से चल के आया हूँ आप सभी को एक बहुत सुंदर बात बताने के लिए। जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पहाड़ों पे, गुफाओं में, कंदराओं में, है कि नहीं? जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, वो भगवान स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, वो स्वयं भगवान अपने गीता में दिए गए वायदे अनुसार इस कलयुगी रात्रि में इस धरती पर आ चुके हैं, और उनके द्वारा दिया गया दिव्य संदेश सुनाने ही हम आपके पास आए हैं। एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था, वो जा रहा था नदी किनारे सैर पर। उसके साथ उसके मंत्री जी भी थे, सेनापति भी थे और कुछ सैनिक थे। सुबह का समय था, सैर पे निकला नदी किनारे, तो वो देखता है नदी के उस पार थोड़ी दूर पर कुछ सैनिक उसके बच्चे को नहला रहे थे। वो बहुत खुश होता है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा नहा रहा है। अचानक देखता है वो बच्चा जो है उन सैनिकों के हाथ से फिसल जाता है और वो नदी में बहने लगता है। तो इतना देखते ही राजा जो है फटाफट भाग के जाता है और उस नदी में छलांग लगा देता है, और राजा को तैरना नहीं आता है, राजा को तैरना नहीं आता है। उसके बाद कुछ ही समय बाद सैनिक जाते हैं, राजा को भी बचा लेते हैं और उसके बच्चे को भी बचा लेते हैं। फिर मंत्री जी बाहर निकाल के राजा को पूछते हैं, राजा साहब एक बात तो बताओ, आपके पास मंत्री जी भी साथ में खड़े थे, सेनापति भी था और इतने सैनिक भी थे, और आपको तैरना नहीं आता तो आपने क्यों नदी में छलांग लगाई? तो राजा ने क्या कहा मालूम है? मंत्री, वो मेरा बेटा है, मेरे सीने में भी बाप का हृदय है। अगर मेरा बच्चा मुसीबत में है तो मैं कैसे यहाँ खड़ा खड़ा तमाशा देखूं कि हाँ उसको कोई बचाए या ना बचाए? मैं इतने पल का इंतजार नहीं कर सकता कि कोई उसकी रक्षा करे, और मैंने सीधा जाके छलांग लगाई। तो आप सोच के देखो, एक मनुष्य प्राणी के हृदय में भी इतनी भावनाएं हैं। तो जो वो परम पिता परमात्मा जिसको कहते हैं, वो माता है, पिता है, बंधु, सखा, सारे रिश्ते हैं उसके साथ, जिसने हमें स्वयं इस धरती पर भेजा है, तो क्या उसके सीने में दिल नहीं है क्या? आज हर मनुष्य आज दुखी है, परेशान है कि नहीं? घर घर में आज महाभारत चल रही है, घर घर में रावण बैठा है। आज कोई ऐसा मनुष्य प्राणी नहीं है जो दुखी ना हो, जो रोगी ना हो। तन से रोगी, मन से रोगी, धन से रोगी, जन से रोगी, किसी प्रकार का सुख आज मनुष्य के जीवन में नहीं है। कोई एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे बता दो जिसको आप जानते हो कि हाँ ये सदा खुश रहता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा पायलट हो, चाहे बहुत बड़ा इंजीनियर हो। दुनिया का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सदा सुखी है। तो आज जब ये ऐसा समय हो गया है, इस समय पर भगवान ऊपर से देखता है कि मेरा हर बच्चा मुझे पुकार रहा है और वो भटक गया है। जिस प्रकार अंधेरे में एक मनुष्य अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, वो भटक जाता है, इसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में आज हम भटके हुए हैं। भगवान को याद तो कर रहे हैं आप, देखो पिछले 10 साल से, 20 साल से भक्ति बहुत बढ़ रही है, कितने मंदिर बन गए हैं, कितने गुरुद्वारे बन गए हैं, कितनी यात्राएं शुरू हो गई हैं, और एजुकेशन लेवल में भी आज हमारा इंडिया बहुत ऊपर है। देखो कितने साइंटिस्ट, इंजीनियर, कितने पढ़ लिख करके बच्चे कामयाब बन रहे हैं, फिर भी पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, ये मनुष्य जीवन में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो कारण क्या है? भगवान को याद तो कर रहे हैं पर लेकिन उस तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है कि नहीं? और या तो वो कुछ कहना चाह रहा है तो वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहता है हमसे। हम अपनी भावनाओं में कुछ भी उसको अर्पण कर देते हैं परंतु उस तक पहुंचता नहीं है। तो यही चीजों का ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान ने हमारे को भेजा है। तो वही चीजें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी भूल हुई है हमसे, वो क्या हुई है कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं कि वास्तव में मैं हूं कौन। आज इंसान
दो चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, मैं और मेरा। मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, ये हूं और मेरा ये है, मेरे ये बहू है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी बंगला, इन सब चीजों में भटका हुआ। जिस दिन आप संसार में पहले दिन आए थे क्या सब लेके आए थे? और जिस दिन जाओगे क्या साथ लेके जाओगे? जरा सोचने की बात है। कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, आया बुढ़ापा देख कर रोया, हाय मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जीवन में बहुत कुछ करना था पर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाद में वो खून के आंसू रोता हुआ जाता है इस संसार से। तो क्या हमारा जीवन भी वैसा ही है? सोच के देखो। तो ये मनुष्य जीवन जो हमारा अनमोल है, इसमें जिस भगवान ने हमारे को ये श्वासें दी हैं, तो 24 घंटे में कितनी श्वासें हम भगवान को याद करते हैं, जरा सोच के देखो। 86,812 श्वासें एक दिन में हम लेते हैं, उसमें से कितनी श्वासें हम भगवान के नाम देते हैं? सोच के देखा कभी? अगर हिसाब अगर आप बच्चे को दोगे, भाई 100 रुपये, जब मार्केट से सामान लिया सारा हिसाब ले लो कि हाँ भाई कितने का क्या आया। आप ये जो मुफ्त की सांसें ले रहे हो, हवाएं हैं, हवा अगर ना हो तो मनुष्य 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो कभी भगवान को हिसाब दिया है कि मैंने कितनी ये वायु यूज की है? पानी के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कब तक जिंदा रहेगा? एक दिन रहेगा, दो दिन रहेगा, फिर कभी भगवान को हिसाब दिया है कि हाँ मैंने बचपन से लेके आज तक कितना पानी पिया है? कभी हिसाब दिया भगवान को? ये जो सृष्टि में जो फल फूल है, अनाज है, हम खाते हैं, कभी हिसाब दिया भगवान को कि हम कितना खा रहे हैं, क्या किसको देना है? नहीं। तो सोचो। तो वही सब चीजें अगर हम अपना थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, आज हम आपको बताने आए हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे उस ईश्वर से, अपने जो दिल की लगन है वो बढ़ाएंगे, तो हमारे जीवन बहुत सुख शांति से बन जाएगा। और भगवान क्या मैसेज देना चाहता है वो भी आपको बता दें। तो सबसे पहली बात जो है हम अपने आप को भूल गए, मैं बता रहा था, वो है कि हम ये शरीर नहीं, ये शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति एक आत्मा है। किसी से पूछो कि हाँ आप तिलक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, क्यों लगाते हो, किसी को मालूम है? कहेंगे सब परंपरा से चला आ रहा है। परंतु वास्तविक सच्चाई ये है कि जहां पर हम तिलक लगाते हैं मस्तिष्क पर, यहाँ पर एक चैतन्य शक्ति विराजमान है जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसे ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना तलवार काट सकती है। वही चैतन्य शक्ति, वो आत्मा मैं बात कर रही हूँ, इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। सबसे बड़ी भूल कि मैं कौन हूँ ये हम भूल गए। सारी उम्र हमने क्या निकाल दिया इसमें, इस शरीर में। इसको अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा ध्यान किसकी ओर है? शरीर के ऊपर। परंतु जिस दिन ये पंछी उड़ गया इस शरीर से, इसका कोई मोल नहीं है, फूंक देंगे उठा के घर वाले, 2 दिन भी घर नहीं रखेंगे, है कि नहीं? तो मोल किसका है? आत्मा का। अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाए, शरीर यहाँ पड़ा है, उसको मारो पीटो काटो कुछ भी करो, क्या उसको महसूस करेगा? उसको कुछ महसूस नहीं होगा। तो महसूस करने वाली शक्ति कौन है? वो आत्मा। तो हमारे अंदर आत्मा नहीं है, मैं खुद एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो ये परमात्मा सबसे पहले जो हम भूल चुके हैं वो आकर के बताते हैं तुम आत्मा। उसी प्रकार आपने खरगोश देखा होगा, है यहाँ पे गांव में, आपके यहाँ गांव में खरगोश दिखते हैं? खरगोश कितना सुंदर लगता है। खरगोश का पिता कैसा होगा? खरगोश जैसा। हाथी का? हाथी जैसा। चिड़िया का? चिड़िया जैसा। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर जितने जन्म दिया उसका पिता कैसा होगा? मनुष्य जैसा। तो वास्तव में जब हम आत्मा है, ज्योति बिंदु एक सितारा है, तो हमारा पिता आत्मा का पिता कैसा होगा? कोई देहधारी नहीं होगा। आत्मा का पिता भी परमात्मा जिसको कहते हैं, वो भी एक छोटा सा ज्योति बिंदु है, सितारा आसमान में जो हम देखते हैं वैसा ही। उसका नाम है शिव। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। तो परमात्मा शिव ही सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, और वो रहते हैं परम धाम में, सातवें आसमान में। आप देखेंगे रात को कभी सूरज चांद तारों के बाहर, हमें ऐसा एहसास होता है कि ऊपर कोई दुनिया है, पर लेकिन हम जानते नहीं है वो कौन सी दुनिया है, इसीलिए आज तक हमें पता नहीं है। परंतु पार परम ब्रह्म परमेश्वर वो उस सातवें आसमान में जो दिव्य ज्योति लोक है, वहां से हम भी आत्माएं आई हैं इस धरती पर,
और वो भी परमात्मा इस धरती पर आकर हमें ये ज्ञान देता है कि अब समय हो गया है वापस जाने का, अब समय हो गया है वापस जाने का, अब ये खेल पूरा हुआ, ये नाटक पूरा हुआ इस सृष्टि रंगमंच पर, अब कुछ समय जो बचा है मुझे याद कर लो, मेरी याद से ही तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होंगे। अगर ये अनमोल समय अगर गवा दिया तो युगों युगों में एक बार ऐसा समय आता है, फिर आप पूरे कल्प में पूरे सृष्टि चक्र में हमेशा पछताते रह जाएंगे। कहते हैं जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम क्या सो रहे थे, तुम कहाँ खोए हुए थे? तो ये वही समय है जब भगवान भाग्य बांट रहा है और राजयोग के द्वारा हम सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन सुधार रहा है। राजयोग एक ऐसा योग जिसका गीता में वर्णन है, सभी योगों में श्रेष्ठ है राजयोग, जिससे मैं सभी मनुष्य आत्माओं को राजा का राजा बनाता हूँ। जो अपने मन पर राज कर लेता है इस राजयोग से, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिसने मन के ऊपर राज कर लिया वही सारी दुनिया पे राज कर सकता है। आज हम अपने मन के ही गुलाम हुए पड़े हैं, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ कह देता है, दो मिनट में हम चार बात उसको सुना देते हैं, हाथ उठ जाता है, दो मिनट का गुस्सा होता है, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? तो हम आज अपने मन के गुलाम हो गए हैं। आज वास्तव में सभी मनुष्यात्माएं भिखारी हो चुकी हैं। जब भगवान ने इस सृष्टि पर हमें भेजा था तो क्या क्या गुण थे आत्मा के अंदर? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सारे सात गुण भगवान ने भर के भेजे थे। और आज हम इन सभी गुणों से, शक्तियों से खाली हो गए हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी को देगा ही क्या, है कि नहीं? जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता, माना प्रेम की अंदर कमी है, शांति की अंदर कमी है, वो खुद उससे भीख मांग रहा, भाई मैं तो कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम उससे शांति से बात कर ले, पर लेकिन वो खुद भिखारी है। वो जरा सा चिल्लाएगा वो और चिल्लाएगा और फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, खामखा जेल में जाएगा, फिर कहेगा दो मिनट में अपने मन को काबू नहीं कर पाया। तो मन को काबू करने का जो तरीका है वो राजयोग, जो स्वयं परमात्मा आकर सिखाते। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं आदरणीय जो हमारी दीदियां आई हैं उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ, वो आपको बताएंगे राजयोग के बारे में। ओम शांति।